मैंने बात देखा कई लोग कार्यकर्ता ऐसे हमारे जिन्होंने सिर्फ दायित्व लिया कार्ड जेब में रखा है जब कार्ड की डिमांड वहां की जो मैंने अपना अनुभव किया सिक्योरिटी की। आज जरूरत है कश्मीर में कश्मीरियों के बीच में जाने कश्मीर भी हमारे साथ। मैं दावे से जहां कह सकता हूं कि 15 से 20 सीटें तो मैं 5 दिन में देखा है कि किसान मोर्चे के कार्यकर्ता निकाल सकते हैं। निस्वार्थ होके प्रेस में काम करो, बोलो जितना है, जितना नेताओं से ऑफिसरों से जो पूछना है पूछो। आजकल तो आपको ही पता है प्रेस भी क्या है। प्रेस के ऊपर आपने आपने बात छेड़ दी तो एक बात रही थी अभी एक रियासी से आतंकवादी पकड़ा गया ठीक जिसको तालिब से उसके तहत आज प्रेस रिपोर्टर पे रेड पड़ रही है जिसके साथ उसके लिंक ठीक। लेकिन जब उसके फोटोज देखे गए वो भाजपा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक घुसा हुआ था अमित शाह जी के पास, जहां आज तक भाजपा के बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को भी अमित शाह जी के पास जाने की अनुमति नहीं थी, वो उनकी सुरक्षा में घुस जाता है। नहीं सुरक्षा की बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। भद्रवा से नीरज मनाज जी को आपने लाया, काफी कदावर नेता थे पैंथर पार्टी में और नीरज मनाज ने काफी बढ़ चढ़ कर घर घर तिरंगा रैली अभियान में हिस्सा लिया। मेरा एक सवाल उनसे भी था आपसे भी यही रहेगा कि जो तिरंगा बांटा आप कश्मीर में बांट आए, आपको पता है कि कश्मीर में पहले दूसरे देश के विपक्षी देश के भी झंडे चढ़ते थे, क्या वो तिरंगे का वही सत्कार करेंगे जो आप उनसे उम्मीद करके आए? मैं भाजपा की तरफ की 2019 के बाद वहाँ पर सिंगल गन सिंगल बुलेट नहीं चला, कोई किलिंग नहीं हुई, लेकिन इस दौरान भी देखा गया आपके अभियान से पहले मैं कहूँगा काफी सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हुई, उसको रोकने के लिए क्या आपको लगता है कि कदम उठाने चाहिए? सामने भी कहता हूँ कि वहां सिर्फ जो पहली सरकार है ना उन्होंने काम करने की बजाय अलबा पूरी खाई है खुद और अफसरों को। और मैं कहता हूँ मैंने वहां जो देखा कुछ लोग ठेकेदार कुछ लीडर और कुछ ऑफिसर, 3 लोग मैंने एक एक जगह देखा था, घर किसी का पूछता था तो बड़े ठेकेदार बड़े लीडर का है और बड़े ऑफिसर का। मैं किसान हूँ, किसान के नाते हम आम बोलते हैं कि पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है, करे रात दिन हम मेहनत पर हालत सुधरना पाती है। इसके बाद वो गीत हमारा किसानों का गीत है उसका स्टंजा है, इनके फौलाद की पंजों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, शोषित पीड़ित हर किसान का हक जगाने वाले हैं। कश्मीर की अफसरशाही में वो लगाम डालने की जरूरत है और मैंने वहां चेतावनी दी थी शुभम जी, चेतावनी दी थी बडगांव में जाके बांडीपुरा में जाके। अगर अब पिछली सरकारों के कुछ जो ऑफिसर हैं चहेते, कोई पीडीपी का चहेता है, कोई कांग्रेस का चहेता है, कोई अपनी पार्टी का चहेता है, कोई एनसी का चहेता है, मैंने उनको वहां भी बात नहीं दी थी, आज भी दौरे के बाद बात नहीं देता हूं। अगर उन लोगों ने किसानों के काम को रोकने का प्रयत्न किया तो वो दिन दूर नहीं, वो दूसरे दिन शायद अपनी कुर्सी पर बैठ पाए। मैं भद्रवा की बात कर रहा था क्योंकि भद्रवा में नीरज मनाज जी काफी अच्छे प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने के जब हमारी बात आई तो हम डीडीसी से इंटरव्यू नहीं ले पाए, टाइम नहीं था, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, आपको पता भाजपा की ट्रेनिंग थी, तो नीरज मनाज जी से काफी बात हुई तो वो हमेशा कहते थे कि अब जो ये नया भारत है, नए भारत में किसान की जो इनकम है वो दुगनी होगी आने वाले समय में और भी बड़े सारे वादे, तो क्या वो सब पूरे होंगे? अपोजिशन का काम है शोर करना, कर रहे हम कहते हैं अपोजिशन शोर नहीं करे, धरने दे मुजारे दे, लेकिन अपोजिशन का काम है अपोजिशन जो भी करने को राजनीति में। सोनिया गांधी के ऊपर एक दिन ईडी बैठती है तो लाखों कार्यकर्ता बैठ जाते हैं, फिर हम कहते हैं लाखों की बजाय 5 लाख लोग बैठो, उधर रामलीला ग्राउंड में बैठो, बोलो ना भाई महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नहीं हमारी मम्मी को अंदर नहीं जाना चाहिए, हमारे भाई को अंदर नहीं जाना चाहिए। आज तक देखो 8 साल 9 साल चल रहा है नरेंद्र भाई मोदी। अभी देखा गया कि घर घर तिरंगा अभियान चला, आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त को सुनने में आया बिश्नाह में सबसे बड़ा तिरंगा लहराने वाला है, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखो भाई साहब बात यह है
कि लोग सिर्फ देख रहे हैं कि 20 रुपए का तिरंगा लग रहा है, बस चूंकि आपने देखा होगा आज तक ये जो तिरंगा चल रहा है ये कोई भाजपा का काम नहीं, ये सरकार कर रही है। हर घर में तहसीलदार अपनी जगह लगे हुए हैं, वीडियो अपनी जगह लगे हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को पैसों से दिया जा रहा है, मुफ्त नहीं किसी को। दूसरे नंबर मैं आपको एक और साइड से तिरंगा, घर घर तिरंगा की एक और बताऊंगा। ये तो 15 दिन पहले के 20 दिन पहले ऑर्डर देना शुरू हुए। घर घर तिरंगा की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला, मैं कहता हूं कि लाखों बहनों ने बनाए हैं, चाहे वो खादी बिल्डर इंडस्ट्री बोर्ड की ओर से हो, चाहे वो उम्मीद की ओर से होंगी। सो मैंने ऑर्गेनाइजेशन जिन्हों को डायरेक्ट किया कि उनको 5-5 हजार बनाने का, 10-10 हजार बिजली का ऑर्डर दिया। हर घर तिरंगा तो होगा भाई, सेटेलाइट से हम देखेंगे हिंदुस्तान की दिशा क्या है। मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद जहां जहां हिंदुस्तानी रहता है वहां वहां तिरंगा फहराने वाला है, इस बार पहली बार फहराने वाला है। और इसके पीछे का जो भावत है, भारत को कोई नहीं रोक सकता विश्व गुरु बनने से, और जो अखंड भारत होने जा रहा है वो होके रहेगा, ये उसकी पहचान है। नमस्कार, मैं हूँ शुभम कोतवाल और मेरे साथ है आज सतीश भारती जी जो की प्रभारी कश्मीर, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के काफी बड़े मंत्री भी हैं। जी हाल ही में आप कश्मीर का दौरा करके आए, 5 दिन का, तो कैसा दौरा था वहाँ का, घर घर तिरंगा अभियान के तहत कैसा रहा वहाँ? शुभम जी, एक तो सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने, शायद मैं 3 साल में पहली बार गया हूँ किसान मोर्चा की ओर से, मैंने जो अनुभव किया कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की स्कीमों के द्वारा, मोदी जी के कामों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं उसके द्वारा लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो वास्तव में क्या है, हमारे जो वहाँ कार्यकर्ता भाजपा का जिनके ऊपर पूरा बोझ है कि जिन्होंने घर घर जाके स्कीमें पहुंचानी है, कुछ डर की वजह से समझ लो, कुछ अपना, मैं तो बात देखा है कई लोग कार्यकर्ता ऐसे हैं हमारे जिन्होंने सिर्फ दायित्व लिया है, कार्ड जेब में रखा है या कार्ड की डिमांड वहां आती है, जो मैंने अपना अनुभव किया सिक्योरिटी की। हाँ, आज जरूरत है कश्मीर में कश्मीरियों के बीच में जाने की, इसलिए हमारे साथ मैं दावे से जहां कह सकता हूं कि 15 से 20 सीटें तो मैं 5 दिन में देखा है कि किसान मोर्चे के कार्यकर्ता निकाल सकते हैं। मैंने उनको कहा और अगले महीने में दोबारा 2 तारीख को जा रहा हूँ, 2 तारीख को। आपने बताया कि किसान मोर्चा काफी एक्टिव है, अभी हाल ही में देखा गया भद्रवाह से नीरज मनाज जी को आपने लाया, काफी कदावर नेता थे पैंथर पार्टी में, और नीरज मनाज ने काफी बढ़ चढ़ कर घर घर तिरंगा रैली अभियान में हिस्सा लिया। मेरा एक सवाल उनसे भी था, आपसे भी यही रहेगा कि जो तिरंगा बांटा आप कश्मीर में बांट आए, आपको पता है कि कश्मीर में पहले दूसरे देश के विपक्षी देश के भी झंडे चढ़ते थे, क्या वो तिरंगे का वही सत्कार करेंगे जो आप उनसे उम्मीद करके आए? नहीं, उम्मीद की बात नहीं, तिरंगा जो है सम्मान करना चाहते हैं, और आज वो कश्मीर के लोग वो कश्मीरी नहीं है जो पहले लोग डरते थे, उन्हीं लोगों की बदौलत आज उग्रवाद का सफाया हो रहा है। आज समय आया है कि गांव के लोग इन लोगों से तंग आ चुके हैं, उन लोगों की सीआईडी देने की वजह से तो पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कामयाब हो रही है। हाल ही में एक बयान सुनने में आया भाजपा की तरफ से कि 2019 के बाद वहां पर सिंगल बुलेट नहीं चला, कोई किलिंग नहीं हुई, लेकिन इस दौरान भी देखा गया आपके अभियान से पहले मैं कहूंगा काफी सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हुई, तो उसको रोकने के लिए क्या आपको लगता है कि कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आप भी अब किसान मोर्चा से काफी फ्रूट सेलर्स की या जो फ्रूट रखते हैं उनकी आपसे उम्मीद रहती है, काफी लोग वहां से भाग जाते हैं, तो उस शुभ जी बात यह है कि मैं डोगरा भी हूं और हमारे डोगरी में ये भी कहते हैं कि जिस समय आदमी की अंतिम यात्रा होती है
तो वो घर में जो शतीर लगे होते हैं, डोगरी में कहते हैं बरगे लगे होते हैं, तीरबंदी जिसको बोलते हैं, वो गिनता है। आज बढ़िया उग्रवाद की है, आप टारगेट किलिंग तीन चार लोगों को मार के हमने कह दिया भाई टारगेट किलिंग की नहीं, टारगेट किलिंग है लेकिन उनका अंतिम जनाजा निकल रहा है उन लोगों का, मरता क्या ना करता। और मैं आपको ये बता दूं कि बांडीपुरा में मैं गया हूं, बडगाम में गया हूं, बडगाम के 40 किलोमीटर आगे गया हूं मैं, अच्छा उसके आगे सित्रन जहां सीतारण हुआ सीतापुर गांव है, वहां बड़ा बहुत टूरिस्ट प्लेस है, वहां मैं खड़े होके ये कहा कि ये जो टूरिस्ट पहली सरकारों ने टूरिज्म बनाया, वहां का शुभम जी ये था कि जो काफी ऊंचाई के ऊपर है, वो जो सीता जिसको कहते हैं हम तलाई कहते हैं, सीता तलाई नहीं, वो एक छोटा सा एक कमरे की तरह रह गया। मैंने वहां भी खड़े होकर कहा था, आपके सामने भी कहता हूं कि वहां सिर्फ जो पहली सरकार है उन्होंने काम करने की बजाय अंबा बुरी खाई है, वो खुद और अफसरों को खुश। और मैं कहता हूं मैंने वहां जो देखा, कुछ लोग ठेकेदार, कुछ लीडर और कुछ ऑफिसर, तीन लोग मैंने एक एक जगह देखा था, घर किसी का पूछता था तो बड़े ठेकेदार का, बड़े लीडर का है और बड़े ऑफिसर का है। जैसे मैं किसान हूं, किसान के नाते हम आम बोलते हैं कि पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है, करे रात दिन हम मेहनत पर हालत तो सुधरना पाती है। इसके बाद वो गीत हमारा किसानों का गीत है, उसका स्टंजा है, इनके फौलादी पंजों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हैं। शुभम जी बात यह है कि जहां तक गोली का सवाल है, मैंने बहुत एसएसपी साहब को भी कह दिया था, अगर गोली मेरे लिए बनी है तो मुझे ही लगेगी, चाहे मैं अपने बाथरूम में होगा, चाहे मैं अपने रसोई में होगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। इस टारगेट को लेके मैंने वहां 5 दिन काम किया है। और जो आप बात कर रहे हैं, लोग अभी भी जुड़ना चाहते हैं, लोग पहली बैठक में लोगों ने कहा, मैं मामूली सी थी, मैंने हमने 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बुलाए थे, 20 जनरल सेक्रेटरी बुलाए थे, 5-6 लोग साथ और आए थे, 37 लोग थे, 30 अपेक्षित थे, 37-38 लोग थे, मुझे डाल दिया। 36 में से 35 लोगों ने चाहिए कहा जी हमारी सरकार सुनती नहीं, सरकार क्यों सुनेगी आपकी, आप सुनाने वाले हो चाहिए। वहां मैंने बोला था कि कश्मीर में अफसरशाही जो है इतनी बेलगाम हो चुकी है कि उसको लगाम डालने की जरूरत पड़ गई। लगाम भी दो प्रकार की होती है, एक जो घोड़ा बहुत तगड़ा होता है, मानने वाला नहीं होता, मालिक ही नहीं मानता, एक प्लेन होती है आम साधारण घोड़े के मुंह में, एक होती है उसको कांटे से लगे होते हैं, एक बार ऐसे करता घुड़सवार उसके मुंह में खून आना शुरू होता है, तब रुकता है। अब कश्मीर की अफसरशाही में वो लगाम डालने की जरूरत है। और मैंने वहां चेतावनी दी थी, शुभम जी चेतावनी दी थी, बडगाम में जाके, बांडीपुरा में जाके, भाई अगर अब पिछली सरकारों के कुछ जो ऑफिसर हैं चहेते, कोई पीडीपी का चहेता है, कोई कांग्रेस का चहेता है, कोई अपनी पार्टी का चहेता है, कोई एनसी का चहेता है, मैंने उनको वहां भी बार्निंग दी थी, आज भी दौरे के बाद बार्निंग देता हूं, अगर उन लोगों ने किसानों के काम को रोकने का प्रयत्न किया तो वो दिन दूर नहीं, वो दूसरे दिन शायद अपनी कुर्सी पर ना बैठ पाए। क्यों कि अब जो सरकार है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में, वो मोदी सरकार है। आपने कश्मीर की बात की, भद्रवाह की मैं बात करूंगा, अरसवाल डोडा की, किश्तवाड़ की मैं बात करूंगा, वहां का दौरा करता हूं। देखो वास्तव में क्या है कि मैं महामंत्री हूं, पूरे प्रदेश में दौरा कर सकता हूं, इसके साथ साथ मैं डोडा जो है उसका भी इंचार्ज हूं। वो मैंने इसलिए लिया कि अगर भाई कार जाएंगे तो कई बार डोडा भी बैठक करते जाएंगे, तो उसके साथ साथ विशेष मैंने भी जाना था, 1 महीने में 15 दिन बिल्कुल डोडा में रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जी, उन्होंने पूरे 15 दिन उधर ही डोडा के हर तहसील में गए हैं, हर गांव में जाने का प्रयास किया है। तो जहाँ भद्रवाह की बात है, अगर बात है तो उसकी भी आप पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता होगा तो मैं अपने सीनियर अधिकारियों से, अपने जो वहाँ के हैं उनसे बात करके वो भी उसका भी निवारण होगा। क्योंकि हमारे वहाँ पे मैं भद्रवाह की बात कर रहा था, क्योंकि भद्रवाह में नीरज मन्नाथ जी काफ़ी अच्छे प्रवक्ता भी हैं,
क्योंकि इंटरव्यू लेने के जब हमारी बात आई तो हम डीडीसी से इंटरव्यू नहीं ले पाए, टाइम नहीं था, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, आपको पता भाजपा की ट्रेनिंग थी, तो नीरज मनाज जी से काफी बात हुई, तो वो हमेशा कहते थे कि अब जो ये नया भारत है, नए भारत में किसान की जो इनकम है वो दुगनी होगी आने वाले समय में, और भी बड़ी सारे वादे, तो क्या वो सब पूरे होंगे? हाँ, किसान की दुगनी इनकम पे मैं आता हूँ भाई साहब। मैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय के साथ कोऑपरेटिव अपने पास रखा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट को इतना प्रेशर दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक साल पहले नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि 10,000 के करीब हमने पूरे हिंदुस्तान में एफपीओस बनाने हैं। एफपीओस का क्या मतलब है? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या था कि उसमें थोड़ा सा हमने जहाँ बनी भी है, एक 15 दिन पहले श्रीनगर में 20 दिन पहले बैठक भी हुई है उस एफपीओज की। एफपीओज भी जो बनी है वो भी एक गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, गाइडलाइन के तहत एफपीओ में क्या है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज हम अरसपुरा में बैठे हैं, अरसपुरा की मेन डिमांड है, मेन उपज है चावल, उसका एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, उसके तहत हम 10 20 50 100 ट्रक धान खरीदेंगे, 1000 ट्रक धान खरीदेंगे, वो उसमें सरकार जो है उनको मदद करेगी, और उससे क्या होगा कि किसान की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाएगी। फिर उस आज तक तो हालांकि हम लड़ते रहे, आज भी जो जम्मू कश्मीर की नाते आरसपुरा नाम है, आरसपुरा नहीं है, सीधी बात कह दूँ, जितना भी चुनाव एरिया है, चुनाव से जो रणनीत नाल मारी जा रही है, जितना इसको पानी लगता है उसमें सिल्ट होती है, हमने जो खोज निकाली है सिल्ट होती है, जब सिल्ट जिस पौधे के जड़ में बैठती है उसकी मिठास ही इलावा होती है कि उसको 2 दिन पानी ना लगे तब भी वो जूझे रहता है। और जो हमारा चावल है शोभन जी, आपके द्वारा मैं बता दूँ कि इस घर में अगर चावल बनाया तो 10 घरों में खुशबू हो जाती है, तो खुशबू ले उसी चावल की जाती है जिसको रणवीर कनाल का पानी लगा है, जो आज हमने घर घर बोर किए हैं, खेत खेत में बोर किए हैं, उसमें फर्क है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और 20-25 दिन पहले मुझे आंध्र प्रदेश से हमारे माननीय संचालक जी हैं, वो एक जैसे एफपीओ है ऐसे एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कंपनी में तो ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होता है। कंपनी में होता है कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा वो रजिस्टर होगी, रजिस्टर होने के बाद कंपनी के जो लोग हैं वो उसको संचालन करेंगे, वो भी लेकिन होगी गवर्नमेंट के अंदर ही। उसमें जो आप दूसरी दुगनी इनकम की बात कर रहे हैं, हमने श्रीनगर में भी वो बात की है, जम्मू में भी दो बात किया, वो कंपनी है रजिस्ट्रेशन करके, तो हमारी बात हुई है कि बिना रजिस्ट्रेशन भी आप कम से कम 5 ट्रक सेब भेज दो, लेकिन हाई क्वालिटी का होना चाहिए जिसका रेट जो है अच्छा भाव में मिलेगा। उसमें क्या होता है कि पिचोलिया जो है अगर 50 रुपये किलो हम उठाते हैं श्रीनगर से, तो राजस्थान पहुँचते पहुँचते दिल्ली पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत होती है 200 रुपये किलो, तो वही अगर हम 50 की बजाय 80 रुपये उठाएंगे तो वहाँ पहुँचेगा 100 रुपये किलो। वो क्यों? कि उसमें जो एफपीसी है 5 स्टेटों के साथ एफपीसी का आपस में लिंक्स होगा, मान लो कि नॉर्थ जोन में 6 स्टेट्स हैं, वहाँ की जो उपज होगी वो सीधी हमारे एफपीसी में, जो गोडाउन हमारे बने होंगे 2 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक, 100 करोड़ तक वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम में हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें इन शेप ऑफ लोन भी हो सकता है, लेकिन लोन होगा उस सोसाइटी, उस जो हमने कंपनी बनानी है उसमें क्या होगा, मैं आपको दुगनी इनकम पे चल रहे इस पर तो आपसे 3 घंटे बहस कर सकता हूँ, कैसे किसान की उपज बढ़ेगी, और किसान की उपज बढ़ेगी किसान की दुगनी इनकम, लेकिन लोगों को सामान सस्ता मिलेगा, वो कैसे? जैसे महाराष्ट्र में हमारा प्याज होता है, प्याज की कीमत 10 रुपये है, हमें जम्मू में वो प्याज वहां से वो 10 की बजाय 12 रुपये उठाएंगे 15 रुपये उठाएंगे, किसान से कीमत से उसकी दुगनी हो गई, जहां हमें 45 रुपये पहुंचने की बजाय में 18 रुपये पहुंचेगा,
दो नहीं तो 3 रुपए किलो का भाड़ा पड़ेगा पूरा ट्रक का। वो ट्रक उसी भाड़े के साथ हमारे पास आएगा, उससे क्या होगा कि किसान का माल महंगा बिका, लोगों को सस्ता मिला। ये नहीं होगा कि वहाँ से प्याज 10 रुपये चला है तो जहाँ 50-55 रुपये बीत रहा है, फिर क्या होगा जहाँ अगर हमें 13 की बजाय बिकेगा फिर उसमें भी कंपनी निकाय 500 स्टेटों की गवर्नमेंट का भी हाथ होगा, कंपनियों में आपस में कोऑपरेट करके रेट मिनिमम लोगों को मिले रेट। लेकिन जहाँ तक मैं आपने क्वेश्चन करना मैं ही कर लेता हूँ, महंगाई 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 लोग गा रहे हैं, मैं कहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं होते ताजा 800 रुपये भी नहीं मिलना जो इन 3 सालों में कोविड में हुआ। पाकिस्तान देखो, बाकी मुल्कों में देख लो कितना बड़ा। और इन सब का एक है कि जब पेट्रोल बढ़ेगा गैस बढ़ेगी, तो पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ की कीमत महंगी होगी। लेकिन कैसे कंट्रोल किया है हमारी केंद्र सरकार ने, इसको अपोजिशन का काम है शोर करना, कर रहे हम कहते हैं अपोजिशन शोर नहीं करे, धरने दे मुजारे दे, लेकिन अपोजिशन का काम है अपोजिशन जो भी करने को। राजनाथ जी ने सोनिया गांधी के ऊपर एक दिन ईडी बैठ दिया तो लाखों कार्यकर्ता बैठ जाते हैं भाई, हम कहते हैं लाखों की बजाय 5 लाख लोग बैठो, उधर रामलीला ग्राउंड में बैठो, बोलो ना भाई महंगाई बढ़ रही है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नहीं, हमारी मम्मी को अंदर नहीं जाना चाहिए, हमारे भाई को अंदर नहीं जाना चाहिए। आज तक देखो 8 साल 9 साल चल रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी का, कितने जुलूस निकाले भाई। अब भी हमने ही ठेकेदारी थोड़ी ली है, भारतीय जनता पार्टी वाले ही द्वारा जुलूस भी निकालेंगे, क्यों निकालेंगे हम? हमारी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है, और आपने शोभन जी एक बात देखी होगी, आज तक जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार चल रही है उस सरकार में काउंटर भी किया जाता है, हमें प्रेरणा दी जाती है अगर आप सही काम कर रहे हो तो सही जवाब भी लोगों को दो। भाई अपोजिशन तक अपोजिशन कैसे बैठेगी घर में? आपने किसानों का आंदोलन देखा, किसानों के आंदोलन में क्या हुआ? आज भी कई लोगों को नहीं पता वास्तव में क्या था कि मंडी सिस्टम जो है टूटने वाला है। आज तक कभी सुना है आपने धरने है तो शराबें चल रही हैं, धरने में डोसे चल रहे हैं, ऐसा कहाँ से आया? ये कुछ फैमिली है, कोई कनाडा में बैठी थी, पंजाब की, हरियाणा की, कुछ दूसरे मुल्कों में बैठे थे, वो वहाँ बैठ के जहाँ की चीज़ों का मंडियों का अपना परसेंटेज खा रहे थे। जब उनका जो हलवा बूढ़ी बंद हुआ, उनका धंधा बंद हो गया, उनका तो ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें बढ़ गई, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। भाई बीजेपी ने क्या कहना था? देखो जहाँ तो शराब की, जहाँ तक शराब का सवाल है, वास्तव में क्या है कि आप सबसे पीछे चले जाओ, जब पहली बार सरकार बनी तो महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे शराब बहुत, ठीक है, लेकिन जिन प्रदेशों में अभी भी शराबबंदी है, जिन प्रदेशों में जहाँ तक पूरी शराबबंदी हो, ठीक है, तो पूरी शराबबंदी है तो होता क्या है कि सरकारें देखती है भाई हमें किससे इनकम ज़्यादा आएगी, टैक्स बहुत होता है। अभी भी अगर ज़्यादा दुकानें खोली हैं तो सेल्स कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आज हमारे ही बिछना में 3 दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगाया तो सरपंच इकट्ठे हो गए सारे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपोजिशन अगर जिसने करनी है करे ना, बोले सड़कों पर आए कांग्रेस, अगर सरपंच बिछना तहसील के इकट्ठे हो सकते हैं, उनके पर्चे लगे हैं, 10-20 लाख की शराब जो है उन्होंने दुकान से निकाल के सड़क पर फेंक दी, वे खैरी गांव है जबरदस्ती जिन्होंने दुकानें ली थी खोली थी। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि ये गवर्नमेंट की अपनी अपनी स्कीम होती है, इसमें डायरेक्टली बीजेपी की सरकार नहीं है, गवर्नर आया गवर्नर रूल है, लेकिन गवर्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो आपने पूछना, मैं खुद कह रहा हूँ, आज तक सुना है 2 हॉस्पिटल कहीं बड़ी से बड़ी स्टेट में नहीं बने, हमारे दिल्ली ही था सर, हमारे नारदियों में दिल्ली था ना, एक कैसे 2 बने जब एजुकेशन हुई, एजुकेशन में 2 मिला, देने वाले भी हम थे मांगने वाले भी हम थे। तो कहने का भाव अर्थ यह है कि अपोजिशन ने अपोजिशन नवानी चाहिए,
अपोजिशन ने खुद गर्जी करके अपोजिशन ने मान दी। अभी देखा गया कि घर घर तिरंगा अभियान चला कि आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त को सुनने में आया बिश्नाह में सबसे बड़ा तिरंगा लहराने वाला है, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखो भाई साहब, बात यह है कि लोग सिर्फ देख रहे हैं कि 20 रुपए का तिरंगा मिल रहा है, बस। शोभन जी आपने देखा होगा आज तक ये जो तिरंगा चल रहा है ये कोई भाजपा का काम नहीं है, ये सरकार कर रही है। हर घर तिरंगा, तहसीलदार अपनी जगह लगे हुए हैं, वीडियो अपनी जगह लगे हुए हैं, ठीक है। उन लोगों को पैसों से दिया जा रहा है, मुफ्त नहीं किसी को। दूसरे नंबर मैं आपको एक और साइड से तिरंगा, घर घर तिरंगा की एक और बताऊंगा। ये तो सिर्फ 15 दिन पहले के 20 दिन पहले ऑर्डर देना शुरू हुए थे। घर घर तिरंगा की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला था? मैं कहता हूं कि लाखों बहनों ने बनाए हैं, चाहे वो खादी बिल्ड इंडस्ट्री बोर्ड की ओर से हो, चाहे वो उम्मीद की ओर से होंगी। सो मैंने ऑर्गेनाइजेशन जिन्हों को डायरेक्ट किया कि उनको 5-5 हजार बनाने का, 10-10 हजार बनाने का ऑर्डर दिया गया। तो हर घर तिरंगा तो होगा भाई, सेटेलाइट से हम देखेंगे हिंदुस्तान की दिशा क्या है। मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहता है वहाँ वहाँ तिरंगा फहराने वाला है, इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है। और इसके पीछे का जो भावार्थ है, भारत को कोई नहीं रोक सकता विश्व गुरु बनने से, और जो अखंड भारत होने जा रहा है वो होके रहेगा, ये उसकी पहचान है। जैसे कि आपने बोला कि आपने सीधे बोला कि 20 रुपए में दिया जा रहा है, इसी पे बाकी से मैंने नीरज मिनाज से भी एक सवाल किया था। मैंने कहा कि 20 रुपए किसकी जेब में, आपकी जेब में, भाजपा? आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मैं जनता को बोलना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी मेरे से, कहते कि कदर भी तब होती चीज की जब पैसे खर्च के लिया जाए। कहते देने को मुफ्त भी दे सकते थे, लेकिन मुफ्त चीज की शायद से कदर नहीं होती। एक तो कदर की बात आपकी सही है मुफ्त की, दूसरा है कि हमने अगर राष्ट्रीय ध्वज अपने घर में लगाना है उसके लिए भी मुफ्त मांगने की कैपेसिटी रखते हैं, तो शायद हम राष्ट्रभक्ति नहीं। शुभम जी बात क्या है कि आज समाज इतना स्वार्थी हो चुका है, आप जाओगे ना किसी गांव में वो कहेंगे वैसा क्या लेके आए हमारे लिए, तो आप जब उनको कहोगे ना भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ग्रेजुएशन बहुत दस लोग बोले को तहसीलदार के पास जाओ, वीडियो के पास जाओ। मैं उनको कहता हूँ वीडियो नहीं करता, डीसी के पास जाओ, रूरल मेंबर डायरेक्टर के पास जाओ, तहसीलदार नहीं करता डीसी के पास जाओ, डीसी नहीं करता ड्यूटी के पास, अगर एसएसओ के पास काम है वहाँ नहीं हम नहीं जाएंगे आप ही जाओ। लेकिन इससे भी एक हमें अहम जगह है कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको स्वाभिमान के साथ खरीदेंगे और स्वाभिमान के साथ हम इसको लहराएंगे। और होता क्या भाई साहब, हर चीज के पीछे भावत होता है। बाकी जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, कदर फुलां दी कुन जाने जा बुलबुल जा माली, कदर फुलां दी कुन जाने जा बुलबुल जा माली, गिद्ध बेचारी की जाने जी मुर्दे काम वाली। पहली सरकारें जो रही हैं तो आप समझ गए मैंने क्या कहा, उन लोगों को भाव ही नहीं था। भारत माता की जय बोलते उनको शर्म आती थी, उनको राष्ट्रीय भक्ति का क्या पता है। उन्होंने तो आज तक भगत सिंह को टेररिस्ट कहा है, आज तक चंद्रशेखर आजाद जिन लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट कहा, चंद्रशेखर ने खून पियाया इंद्री जीव प्यासी नूं, भगत सिंह के वीर चुल गए पींग समझ के फांसी। मैंने एक जगह पढ़ रहा था भाई साहब यूट्यूब पे, ऐसे भी पढ़ा सुभाष चंद्र बोस की 1900 मेरे ख्याल में कोई 72-73 तक सीआईडी होती रही, उन्होंने दिखाया 85 के 86 में उनकी डेथ हुई है, ट्रैंक मिला उनका जिनको मोनी बाबा के नाम से, और वो जब खुला क्या हुआ गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने तो वहां तक रखा था कांग्रेसियों ने, सुभाष चंद्र बोस आ गया। मैंने जहां तक पढ़ा कि अगर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ नहीं होती उधर उस दिन दूसरे दिन वो सुभाष चंद्र बोस जी का और हस्ती से मिलाने वाले थे किसी आदमी को। बाकी हम जे भूले थोड़े हैं, नेता दे परदेश जान दिया, भुलियां कौन तरीका है,
जिसने मुड़ा उन्होंने उन तक करता देश उड़ीका है। अगर देश प्रेम है तो इन लोगों ने कहां देश प्रेम किया? अगर देश प्रेम किया होता तो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। हमारे नेहरू जी को भी पता था, बातें कर दी हैं, हम देते हैं नहीं, क्या देखते हैं जब होता है। अब उनको पता था, शेवी ने उसकी उम्र नहीं थी जिना की, बना देता ना प्राइम मिनिस्टर, क्या होता, नहीं टुकड़े उड़े थे। मैं गलत बात कह रहा हूं तो बोलो। बाकी शोभम जी, सरकारें ऐसे नहीं चलती, समाज ऐसे नहीं चलता जहां घर नहीं चलता एक आदमी से, घर चलाने के लिए शोक मतलब नहीं करते। तो जो भारत का प्रधानमंत्री है, आज प्रधानमंत्री की क्या, भारत की क्या दिशा निर्देश के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। और ये जो थोड़े दिन का, दो महीने का, ढाई महीने का युद्ध चला है, इसमें आपने देख लिया कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की नीति ने पूरी दुनिया को दिखा दिया हम क्या है। तो आप और किसानों की बात पूछना चाहते हैं, कोई पार्टी की बात पूछना चाहते हैं, मैं प्रयास करूंगा। मैं आपसे एक ही सवाल, एक सवाल क्या मैं आपसे चाहूंगा कि आप दर्शकों को जो बताना चाहें कि बिश्ना का जो आप करने जा रहे सम्मेलन उसके बारे में। देखो बिश्ना में क्या कि हर जगह, कल भी मुझे फोन आया एक जगह कि 150 फुट का झंडा चढ़ाया जा रहा है, आज भी एक फोन आया कि भगत अमरनाथ जी ट्रस्ट है इसके बिल्कुल सामने, सेक्रेटरी के सामने, सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया उस झंडे में खर्च किया है, 150 फुट ऊंचा झंडा, उसके 20 फुट नीचे जाके पहले खुदाई की है, प्लेंथ बढ़ाया है, पिलर लगाए हैं, फिर उसके ऊपर 150 फुट का होगा जिसका इंटरनल। भारत के झंडा ले रहा, पहले तो बैन लगा था, घर पे कोई चला नहीं सकता था। आज अगर मुझे ये क्वेश्चन आपने कहा ना, वैसा ही सेम क्वेश्चन मुझे बांदीपुरा में प्रेस रिपोर्टरों ने पूछा। नहीं, लोग कहते हैं जी भारत में भारतीय जनता पार्टी दबा के अपोजिशन को काम कर रही है, ईडी लगा दी पीछे, आर्मी खुल के काम कर रही है। भाई साहब आप उल्ट बोल रहे हैं, क्यों ईडी आज क्यों निष्पक्ष होकर काम कर रही है? उसके पीछे स्वतंत्रता, स्वतंत्र और देशभक्त सरकार है। आज आर्मी क्यों खुल के काम कर रही है? उसके पीछे देशभक्त सरकार है। पहले आर्मी का अगर आदमी कोई एक फायर निकाल देना था उसे कोर्ट मार्शल हो जाता था, उसको जवाब देना पड़ता था। तो भाई साहब आपके पीछे आपका मालिक कहता है भाई आप निस्वार्थ होके प्रेस में काम करो, बोलो जितना है, जितना नेताओं से ऑफिसरों से जो पूछना है पूछो। आजकल तो आपको ही पता है प्रेस भी क्या है। प्रेस के ऊपर आपने बात छेड़ दी, तो एक बात रही थी अभी एक रियासी से आतंकवादी पकड़ा गया, ठीक, जिसको तालिब हुसैन कहा गया। अच्छा, उसके तहत आज प्रेस रिपोर्टर पे रेड पड़ रही है जिसके साथ उसके लिंक थे, ठीक, लेकिन जब उसके फोटोज देखे गए वो भाजपा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक घुसा हुआ था अमित शाह जी के पास, जहां आज तक भाजपा के बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को भी अमित शाह जी के पास जाने की अनुमति नहीं थी, वो उनकी सुरक्षा में घुस जाता है। नहीं, सुरक्षा की बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, वैसा क्वेश्चन आता मैं समझ गया। मान लो कि मैं एक भाजपा का महामंत्री किसान मोर्चा हूँ, तो मैं बड़गांव में गया हूँ, मैं बांडीपुरा में गया हूँ, मैं श्रीनगर में गया हूँ, रिमोट एरिया में गया हूँ, तो वहाँ अगर कोई आदमी आता है, होता क्या है कि आदमी की कैपेसिटी के मुताबिक होता है, जो भी आदमी होगा वो अपना जितना ज़्यादा आदमी होशियार होगा इतना ही वो आगे पहुँचेगा। तो उसमें क्या होता है, मान लो कि मेरा जलसा हो रहा है, जलसे में मैं नीचे उतर रहा हूँ, वो मेरे साथ आके सेल्फी ले लेता, तो मैंने थोड़ा रोकना, मुझे पता भी नहीं, मैं तो अगर आप वहाँ के जिला प्रधान हैं, आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो मैं तो आपके कहने से किया। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया कि आप कुछ प्रधान हैं। देखिए आईटी सेल में कोई भी भाजपा में जाता है या किसी भी पॉलिटिकल में जाता है, उसकी एक वेरिफिकेशन होती है, इस इंसान ने आईटी सेल भाजपा का चलाया था, इसकी वेरिफिकेशन नहीं है। नहीं, बस बात पता क्या है, मैं कुछ बातें होती है कि जो मैं श्रीनगर से देख आया, कहते हैं कि रात का भूला अगर सुबह का भूला घर में शाम को आ जाए तो हम उसे भूला नहीं कहते।
अगर कोई टेररिस्ट भी था वापस आ गया था, वापस आ गया 20 साल 10 साल बाहर रहा है, पाकिस्तान में रहा है, 5 साल हिंदुस्तान में रहा है, उसके बाद वो एक लीडर बन जाता है, तो क्या भाजपा वाले उसको मना कर सकते हैं आपको हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे? आप ही मुझे बताओ। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, लेकिन मतलब जहाँ पे उस जो जर्नलिस्ट के साथ वो काम कर रहा था उसके घर में पुलिस वाले रेड मार सकते हैं, तो जिन भाजपाइयों के साथ उसका रिश्ता सामने आया है हुसैन का, क्या उसके उनके घर रेड नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ होनी चाहिए, सुनो ना फिर जी। होता क्या है कि आज मैं और आप बैठे हैं जी, आप एक चैनल के माध्यम से आए हैं, मुझे कोई पता नहीं आपकी, सिर्फ मुझे ये पता है भद्रवास है, लेकिन पीछे क्या है, आदमी कहाँ कर रहा है, किससे नहीं कर रहा, जरूरी नहीं कि मेरा आपके साथ फोटो आ गया तो मेरा आपका लिंक हो गया। हाँ मैं तो कहता हूँ शान बीन जब करनी है, भाजपा क्या किसी भाजपा के मंत्री के साथ भी उसका आता है उस पर भी, मैं क्या जहाँ का गवर्नर क्या मोदी जी खुद भी बख्शने वाले नहीं है। तो आपने देखा दर्शकों, सतीश भारती जी ने भी खुले बात सीधी बात बताई। एक तो सबसे पहले 75वें जो वर्षगांठ आज़ादी का महोत्सव सारे बना रहे हैं, मैं भी दरख्वास्त करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि जो तिरंगे का है वो अनादर ना करें, तिरंगे को लहराएं, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ जाती है या तिरंगा का थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसका अनादर ना किया जाए, उसको बड़े प्यार उसको बड़े प्यार से रखा जाए। दूसरी चीज़ आपने देखा कि इन्होंने किसान की दुगनी इनकम है उस पर भी इन्होंने बताया कि कैसे बढ़ेगी, और काफ़ी अच्छे लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का जो लॉ है वो भी हमें समझाया इन्होंने ओपनली, वो चीज़ कही जो अभी तक काफ़ी बड़े भाजपा के दिग्गज लीडर भी चुप कहने से डर रहे थे कि रेड चाहे पत्रकार हो या चाहे पॉलिटिशियन हो दोनों पे होनी चाहिए थी, जरूरी नहीं है कि अगर वो उसका फोटो किसी बड़े इंसान के साथ है उन पे भी होनी चाहिए, कार्रवाई हो तो सब पर हो। तो ये काफी खुले दिल से और खुली बातें सतीश भारती जी ने कहा, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भारती जी, थैंक यू शुभम जी। तो इस आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही, मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।